आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें। सवारी अंदर आया बोलो प्रभु की सवारी तुम्हें जैसे जल चलिए कलश लीजिए सिर पर और चले पांडव शिला की ओर जल लेने के लिए। चलो चलिए चरणों में चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए सारी सखियां चलो चलिए
चलिए शिव जी के चरणों में चलो चलिए। ज्ञाता विभक्ति मस्ता परिमान दीवं आनंद है। सब लाइन में खड़े हो, जो जनक है आप वही खड़े हो, बस एक सभी को अवसर मिलेगा करने का, कोई ऐसा नहीं रह जाएगा। और जो आपसे कर ले बैठते जाना एक साइड, भीड़ की बनाना, जो आपसे कर ले एक तरफ बैठते जाना। कर महाप्रबंध निगड़ी रब हीन तत्व ज्ञाता विभक्ति मस्ता परमान देवम तम सी कल मस्कर उन्मत नाय देव सुतो करि मिलिया मिलयात तत्व। चलिए आपसे प्रारंभ करेंगे हमारे प्रमुख केंद्र। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एक अहम बम बम हम सब तम बम 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 हमे हमे शब शब हमे शब बम बम जब जब ब्रीम ब्रीम श्रीम चिप राम राम श्री श्री राम राम धर्मवती भगवती श्रीमती वैष्णवी श्रीमती जियारी स्वाहा। ओम ब्रीम श्रीम स्वामी जीरता जय विष्णुया। ओम ब्रीम श्रीम स्वामी जीरता जय प्रारंभ हो रहा है और जो आपसे करते जाए वो एक साइड बैठते जाइए। आइए बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। आइए भाइयों, आज फिर हमारा सौभाग्य जगा है, भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने का हमें सौभाग्य मिला है। आइएगा पंक्ति पंक्ति चलते हैं। से अवसर आया इंद्र बने नमः।
नहीं है, मंगलम ब्रह्मी जय सदर शांति ग्रह नमः सर्व शांति
चरणों पे बलिहारी, तुम्हारे चरणों पे बलिहारी, मधुबन की पारस चरणों पे बलिहारी, सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई, सागर तेरी परछाई, और तुझे खुशियां परिवार में एक ही व्यक्ति करता है, ठीक है ना। चली चली रे सवारी, चली चली रे सवारी, चली चली रे सवारी, चली रे सवारी, चली रे सवारी, चली रे सवारी, सवारी, चली चली सवारी, चली चली रे की
इष्ट तीष्ट सही कट हो मेरे भगवन निजी आत्मिका तुकी है रवि करता पूजन तुम्हें चरणों की पूजन से प्रभु ने से हो दर्शन ओम ह्रीम अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेश अत्रोतर शंभो सटिया भाविनम ओम ह्रीम अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदर पंच परमेश्वर अत्रिष्टि ठाठा स्थापिनम ओम ह्रीम अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेश्वर अत्र मम शन्न हेतु भव भव षट सन्नदी करण और एक एक करके हमारे राम कुमार आज आखिरी दिन का आनंद ले लो भाई। आइए सौदर्भ जल लेके आते हैं। आएगी भक्ति हमारी रंग लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी रंग लाएगी खड़े होंगे आएगी लाएगी लाएगी भक्ति हमारी रंग लाएगी अरे लाएगी 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 प्रभु भक्ति हमारी रंग लाएगी कमर में दर्द हो जिनके भी पैरों में दर्द हो वो जरूर खड़े हो जाए बोलिए शांति नाच भगवान की जय लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी आज छाएगी 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 और चहो दिशा छवि तेरी आएगी लाएगी 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 भक्ति हमारी रंग लाएगी तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है। ओम ह्रीम पंच परमेष्टि भोजन जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते महावीर के रंग में तू रंग जा 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 महावीर के रंग में प्राणी तू रंग जा रंग जा रंग जा रंग जा
प्रधान जी आगे आ रहे हैं, आइए आइए भाई साहब आइए। आज प्रधान जी भी खुश, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं होंगे पंडित साहब, तीन लोग के साथ भगवान की पूजा जो करने को सबको मिल रही है। अरे ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का, ये धर्म है आत्म ज्ञानी का श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म के वीरों का कहना। ओ जंगल सिंह दहाड़ों से आती आवाज पहाड़ों से, जंगल सिंह दहाड़ों से आती आवाज पहाड़ों से, तेरी प्रभु आदि के रथ पर हुई सवारी के, यह नित नए मेले, यह नित नए मेले लगते हैं, लाखों के नसीबे सजते हैं। पंच परमेश्वर वो संसार का विनाश रहे चंदनम नृपामिति। आइए भाइयों, तीन लोक के नाथ भगवान के श्री चरणों में चलते हैं अक्षत लेकर के। बोलिए संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। अरे गुरुवर ज्ञान दे दे, गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे। वो गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे, हे ज्ञान का ये भूम। अरे गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे, हे गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे, हे ज्ञान का ये भूम। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर विद्या सागर जी। हे गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे, हे गुरुवर ज्ञान दे दे, बदले में कुछ ना ले दे, ज्ञान का ये भूम। अरे मेरे गुरुवर की व्यापारी, और मेरे गुरुवर ने व्यापारी लिए ज्ञान की पिटारी, मेरे गुरुवर है व्यापारी लिए ज्ञान की पिटारी, करते हैं जन कल्याण के ज्ञान का ये फूल। गुरुवर ज्ञान देवे, बदले में कुछ ना लेवे। आइए एक बार हाथ उठाइए। गुरुवर ज्ञान देवे, बदले में कुछ ना लेवे, ज्ञान का ये ज्ञान देवे, बदले में कुछ ना लेवे, ज्ञान का ये आए बाबू सागर में मेरी है तो कावट की रही, तुम्हें असुभी बाबू की धुमिलों में के तन साथ लिखी अटक रही, गंध लिखी धवल तुम्हें अर्पित, अक्षय पद प्राप्त करो स्वामी, हे पंच परम परमेष्ठि प्रभु, अब दुख में तो अंतर्यामी। ओम रे पंच परमेष्ठि प्रभु, अक्षय पद प्राप्त है अक्ष कमल पामी आउटपुट स्वाहा। आउटपुट में चांदी कम करना, उसमें बना देना मॉनिटर में, आउटपुट में चाबी कम करना, उसे बढ़ा देना। अरे फूल खिले डाल डाल, ये तो हो गया कमाल, अरे फूल खिले डाल डाल, ये तो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डाल, ये तो हो गया कमाल। और इस मन की तमन्नाएं, मन की तमन्नाएं रंग ला गई, अब अपने धन खड़ी आ गई, आ गई, अब अपने धन खड़ी आ गई। अरे फूल खिले डाल डाल, ये तो हो गया कमाल, फूल खिले डाल डाल, ये तो हो गया कमाल, किस मन की तमन्नाएं रंग आ गई, अब अपने धन खड़ी आ गई, आ गई, अब अपने धन खड़ी आ गई। सूखने को था चमन, सूखने को था चमन, बरसों किया इंतजार, सूखने को था चमन, बरसों किया इंतजार, पार्श्वनाथ आ गए के आ गई फिर से बहार, पार्श्वनाथ आ गए हैं आ गई फिर से बहार, चरण पड़े भगवान के हो गई पावन धरा, चरण पड़े भगवान के हो गई पावन धरा, और ऐसी उमंगे उठी कर चेहरा मुस्कुरा गया,
हो गया कमाल, भूल के ले डाल डाल एक हो गया और वो इंद्राणी दीपक जला गए। अब अपने धन घरे आ गए, अब अपने धन घरे आ गए। घायल हो छाया चरणों में पुष्प चढ़ाता हूँ, तुमको पाकर मन हर्षाया बाप बे दर्श करो ऐसा तो सील है स्वामी। पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख में तो अंतर आमी। क्या चढ़ा रहे हो पुष्प, क्यों चढ़ा रहे हो क्यों चढ़ा रहे हो? अरे क्यों चढ़ा रहे बोलो ना सौधर्मिंद जी, सुकुमार जी क्यों चढ़ा रहे? अच्छा मन कर रहा है काम बार विनाश और इसलिए चढ़ा रहे हो हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी किसी ने अष्टमी का व्रत लिया ब्रह्मचर्य व्रत का, किसी ने अष्टमी चतुर्दशी के लिया, एक बहन तो करी आजीवन हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, क्योंकि दुनिया में यदि सबसे बड़ा त्याग कोई है तो वो काम का है। काम के वशीभूत चाहे चींटी से लेकर हाथी तक का जीव सभी काम के वशीभूत हैं। इसको कहा है कि इस पर विजय पाना, आप सब कुछ घर त्याग सकते हो सब कुछ कर सकते हो लेकिन विषय वास्तव में काम पर विजय प्राप्त करना एक सूरवीरों का काम है, ऐसे वैसों का काम नहीं है। एक बार कामदेव और रति जा रहे थे, कामदेव और रति, कामदेव बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा था कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे मैंने पराजित ना किया हो, सब मेरे वशीभूत हैं। जाते जाते ऐसे कहता जा रहा था, उसी समय देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में ध्यान में निमग्न थे। रति कहती है स्वामी ये कौन है? कामदेव वहां शांत हो जाता है, चुप रहता है, फिर पूछती बताओ ना स्वामी ये कौन है, फिर शांत हो जाता। दो तीन बार पूछते तब कहते कि ये होने वाले जिनेन्द्र हैं। तो बोले क्या इन्होंने, क्या आपने माने क्या इन्होंने भी काम को जीता है क्या या बस में किया है? बोले नहीं, इन्होंने तो जो काम का भी राजा है मोहिनी कर्म, उस मोहिनी कर्म को भी इन्होंने अपने बस में कर लिया है। ऐसे काम के विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम एक पुष्प लेकर के आए हैं। हे प्रभु हम भी ब्रह्मचर्य व्रत का 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का 5 दिन का नियम अवश्य लेना चाहिए। ब्रह्म माने होती आत्मा, आत्मा में ही लीन होना, इसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत होता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो अपने जीवन में लेते हैं समझ लो उसी दिन से उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ओम रे पंच परमेष्टि प्रभु काम बाण बिना विनाशनाय पुष्पम निरुपामिति स्वाहा। मीठे रस से भरी रे मीठे रस से भरी या नगरी लागे, या नगरी लागे माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा खड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे मीठे रस से भरी या नगरी लागे, या नगरी लागे माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा खड़ी प्यारी लागे। प्यारी लागे रे घड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे रे घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे मीठे रस से भरी या नगरी लागे माने पार्श्वनाथ की प्रतिमा घड़ी प्यारी लागे। व्याकुल हो चारों गति में भरमाया हो, चक्के सारे पटाख पाकर भी तृप्त नहीं हो पाया हो, समर्पित करता हूँ तो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूँ, जब कल 1 बज गया और मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छी सूचना सुना रहा हूँ, अब आप लोग ऊपर जा सकते हो जहाँ भोजन बन रहा है, सब लोग खुश हो गए। और रामकुमार तो हमसे 2-3 बार कह के गए बीच बीच में, बोले आज पंडित जी रसगुल्ले बने हैं, आज रसगुल्ले बने हैं। अरे मैंने कि मैं क्या कर दूं बने हैं तो खाया। और फिर उन्होंने अपने उससे कहा कमरे पर लेके आना, वो 2-3-4 गिलास भर के ले गया वो
इनका परम भक्त है, इनका नाम राम राम है तो उसका नाम लखन है। तुम मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूं, चारों गति में भरमाया हूं, जग के सारे पदार्थ खाकर भी तृप्त नहीं हो पाया हूं। उस दिन बताया था कि सबसे गंदा यदि कोई है तो अपना शरीर है, कितने अच्छे से अच्छे पदार्थ खाना जब इस शरीर से निकलेंगे तो गंदा बन के ही निकलेंगे। इससे संसार में दूसरी वस्तु कोई घृणित नहीं है जितना हमारा शरीर घृणित है। इसलिए हे भगवान, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं सिद्ध भगवान, वो शरीर से रहित हैं। और तीर्थंकर की भी कर रहे हैं तो हमारे जो अरिहंत प्रभु है ना, तीर्थंकर भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की, वो आहार तो करते हैं, भोजन भी करते हैं, जन्म से ही करते हैं, लेकिन निहार नहीं होता, उनके मलमूत्र नहीं होता है। ऐसे प्रभु के हम पूजा कर रहे हैं। ओम रीम पंच परमेष्टी पुचता रोग विनाश ने नई विधि निर्पावी दी। मैं बंधन कर रहा हूं, मैं बंधन कर रहा हूं, हे जिन बरिया आपका, अब तारो या ना तारो, ए है काम आपका। मैं बंधन कर रहा हूं, मैं बंधन कर रहा हूं, हे जिन बरिया आपका, अब तारो या ना तारो, ए है काम आपका। अज्ञानी ने निज को पर का करता माना, मिथ्या तन के रत्न में निज आत्म स्वरूप न पहचाना। तीर्थ समर्पण करता हूँ, वो हानिकार है हो स्वामी, पंच परम परमेश प्रभु भव दुख में जो अंतर्यामी। क्या चढ़ा रहे हैं दीप, क्यों चढ़ा रहे हैं? अरे मंत्र में दिया रहता है मोहंधकार नष्ट करने के लिए दीप चढ़ाते हैं। मंत्र में सब दिया है, मंत्र जो बोलते हैं सिर्फ समझने की आवश्यकता है। मोहंधकार माने, मैंने उस दिन बताया था कि मोह की सबसे अच्छी परिभाषा है, जो वस्तुएं आंखों से दिखाई दे रही है वो कोई भी अपनी नहीं है। मैं भी अभी आज जाऊंगा घर, कल जैसे ही पहुंचेंगे तो कोई कुछ कह मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे इस स्वार्थ की दुनिया है संसार में। जो घर में कमाता नहीं है ना उसको भी कोई पूछता नहीं है, सब स्वार्थी हैं। मैंने तो इन परिवार वालों को लुटेरों की संज्ञा दी है राम कुमार जी, सब चारों ओर से लूटने के लिए बैठे हैं। कैसे लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे देकर मगर रोने नहीं देते। लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इन्हें से नहीं देखे, लुटेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे देकर मगर रोने नहीं दे तेरे। लुटेरे बहुत देखे मगर इनसे नहीं देखे। जैसे ही जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है, अजब देखी मैंने तुम्हारे देश की रीति, जन्म जैसे ही पाया पिला दी मोह की घुटी। बोलो बेटा पप्पा ममा, जन्म जैसे ही पाया पिला दी मोह की घुटी, कोई भाई कोई बहना कोई माँ बाप बन बैठे। तेरे बहुत देखे हैं मगर से नहीं देखे, सताते चोट दे देकर मगर रोते नहीं देते। और जैसे यवन अवस्था आती है, सबकी आई है, और यवन अवस्था में सब भूल जाते हैं, क्या होता है यवन अवस्था में, कि देकर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा, कि देकर प्रेम पत्नी का जवानी ठगनी ने लूटा।
का समझने पाया ही ना था कि ठगने आ गया बेटा। और जैसे ही बेटा बड़ा होता है, अरे पापा आप क्या समझो, आप एक तरफ में सब समझ में पाया ही ना था कि ठगने आ गया बेटा। मैं कर्जे तार हूं इनका, ये साहू कार बन बैठे, लुटेरे बहुत देखे हैं मगर से नहीं देखे, सताते छोटी देवी कल मगरों से नहीं देखे। और आगे आगे क्या होता है, यही तो है सब लुटेरे। सांस की माला लुटेरे सब ये रोते हैं, अरे बहना करे मेरा भैया गया, पत्नी कहे मेरा पिया गया, बहना कहे मेरा भैया गया, पत्नी कहे मेरा पिया गया। टूटी सांस की माला लुटेरे सब ये रोते हैं, ये क्यों रोते हैं हम इनको भली भांति समझते हैं, अरे ये नहीं रोते ये स्वार्थ मोह रोते हैं, तेरे बहुत देखे हैं मगर इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे दे कर मगर रोते नहीं देखे। और जिन्होंने इसको समझ लिया कि परिवार वाले लुटेरे हैं, वो आचार्य विद्या सागर जैसे बन जाते हैं, आचार्य विशुद्ध सागर जैसे बन जाते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके नहीं थे क्या? और उनके तीर्थंकरों को देखो कि सबसे अधिक कोई पुण्यशाली संसार में कोई होता है तो वो तीर्थंकर 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा नगर में होने लगती है, वो आते हैं, उनका पूरा काम स्वर्गों से चलता है, पूरा कभी अपने घर का भोजन नहीं करते, स्वर्गों से उनकी सारी व्यवस्था रहती है, कभी घर के वस्त्र नहीं पहनते, स्वर्गों से सारी व्यवस्था रहती है उनके वस्त्रों की भी, कभी मोहल्ला पड़ोस के बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, देव आते हैं छोटे छोटे बालक का रूप बनकर के उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, इतना सब कुछ वैभव होते हुए भी उन्होंने तिनके के समान सब कुछ त्याग दिया कि ऐसा वैभव तो अनेकों बार प्राप्त किया है, स्वर्गों में भी गए हैं, लेकिन हमको तो ऐसा वैभव प्राप्त करना है जो वैभव कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसी वो एक ही जगह है, वो है सिद्ध अवस्था। ओम रे पंच परमेष्टि भू मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति। कृष्णा नगर वाले तो कल बता रहे थे, राम कुमार भी बता रहे थे, बोले समाज देखना तो कृष्णा नगर की देखो, और हमारे सौदरबिंद कहते हैं वहां की समाज में सबसे बड़ी विशेषता एकजुट है, सभी एक सूत्र एक माला में बंधे हुए हैं, कृष्णनगर के लिए संपूर्ण भारत की समाज ऐसे ही होना चाहिए, एक सूत्र में। चुनाव के पीछे लड़ मरते हैं, लड़ते हैं क्या है? यहाँ कोई यहाँ तो खर्च कर खर के जो जानता है वो ही बने, मंदिर कह दी 1 रुपया भी आपने खा लिया ना तो जीवन भर आपको अगले भाव में भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये निर्माल है, निर्माल जिसने निर्माल अभी आप पुण्य के उदय में भले निर्माल खा रहे हो, घर में आनंद हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका एक समय ऐसा आएगा कि आपके आने वाली पीढ़ी भीख मांगती नजर आएगी, इसलिए कभी निर्माल नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान रखना जीवन में। और दान करके कभी फूलना नहीं चाहिए, आपने दान किया है और आप सोचा कि मेरा नाम हो जाए, मेरे गले में माला पड़ जाए और सब लोग जय जयकार करें, तो आपने पैसा भी दिया और आपको फल भी नहीं मिला। भाव होना चाहिए दान के साथ, जिस तरह अपन सुबह सुबह मल का त्याग करते हैं ना, मल को फिर याद नहीं करता है कोई, उसी प्रकार से दान होता है कि आपने दे दिया तो मल के समान त्याग कर दिया, फिर उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वही सच्चा दान कहलाता है। चलिए बाबा खोल दी दरवाजा तेरा सेवक आया है, अरे बाबा खोल दे, अरे बाबा खोल दे, अरे बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया रे, बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया रे, अरे सेवक आया गे जी सेवक
खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। कर्मों की ज्वाला धधक रही संसार बढ़ रहा भी प्रतिपल से आश्रय घोरों को नजर सुर्व महगी पल पर धूप चढ़ा कर अब आठों कर्मों का हनन करूं स्वामी। हे पंच परम परमेश प्रभु भाव दुख में तो अंतर्यामी। अरे सेवक आया है जी सेवक अर्जी लाया है। खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। ओम रिपन परमेष्टी भोष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपामति। अरे आया कहाँ से कहाँ है जाना ढूंढ ले ऐसी। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां अपन नहीं गए हैं। नरकों में अनंतों बार जा चुके, अनंतों बार स्वर्गों में अनंतों बार, मनुष्य भी अनंतों बार बन चुके, त्रियंज भी अनंतों बार बन चुके, लेकिन अब भगवान की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि संसार का भ्रमण बंद हो जाए। अरे आया कहाँ से कहाँ है जाना ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना ढूंढ ले ठिकाना ढूंढ ले ठिकाना। अरे आया कहाँ से आया कहाँ से कहाँ है जाना ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। नीचे से आया, नीचे यानी नरकों से आए हैं। वहां पर इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का नाच खा जाए फिर भी एक कण खाने को नहीं मिलता। इतनी प्यास लगती है कि समुद्र का पानी पी जाऊं लेकिन एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। इतनी सर्दी लगती है, इतनी सर्दी कि मेरे समान पहाड़ भी वहां पर जम जाए। इतनी गर्मी लगती है पहाड़ पिघल जाए। वहां पर नदियां खून और पीप की नदियां बहती हैं। यदि नरकों का ये कण भी यहां आ जाए तो ये व्यक्ति नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। इतनी दुर्गंध होती है वहां के कणों में। अरे नीचे से आया ऊपर है जाना, नीचे से आया ऊपर है जाना मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया ठिकाना मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया ठिकाना। आत्म तत्व का मनन करो चिंतन करो चेतन का तो ज्ञान से सच्चा पथ मोचन केतन का। उत्तम फल चरण चाहता हूँ निर्वाण महाफल हो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। ओमरी पंच परमेष्टि प्रभु मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिते। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप ने वेद धूप फल लाया हूँ। अब तक के संचित कर्मों का मैं पुंज जलाने आया हूँ। अर्घ समर्पित करता हूँ अभी चले अनर्घ पद तो स्वामी। हे पंच परम परमेश्वर प्रभु भव दुख में तो अंतर्यामी। ओम रि पंच परमेश्वर नरक पद प्राप्त है अर्घ निर्वामिते। हम तो आइए हम जय माला अंतम। हाँ हाँ बिल्कुल जय माला लेंगे भक्ति के साथ में और पढ़ना है सभी को। इसके शब्दों में बड़ा वो है, पढ़ना है भक्ति हम कराएंगे। जयमाला के बाद भी करा सकते हैं, सब करा, लेकिन पढ़ने में जो आनंद है पढ़िए उसको। राम कुमार जी बड़ी अच्छी तरह ले रहे हैं। हम तुम भव भव में बिन ज्ञान के चक्कर खाते रहे हैं खाते रहेंगे। हम तुम भव भव में बिन ज्ञान के चक्कर खाते रहे हैं खाते रहेंगे। जय दीति राज सर्वज्ञ प्रभु निज ध्यान लीन गुणमय अपार। आदस दोष रहते जिन पर अरिहंत तेज को नमस्कार। अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार। जय अजर अमर हे मोक्षकन भगवंत सेत को नमस्कार। छत्तीस सुगुण से तुम मन अनुरागी आचार्य सुगुरु को
नमस्कार। एकादश अंग पूर्व चौदह के पाठी हुआ पच्चीस धार वायंकर मुनि मोत्रा महान श्री उपाध्याय को नमस्कार। रत समति गोती चारित्र धर्म वैराग्य भावना हृदय धार द्रव्य भाव संयम में मुनिवर सर्व साधु को नमस्कार। बहु पुण्य संयोग मिला नरतन जिन सुत जिन देव चमन दर्शन हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। निज पर का भेद जान कर में निज को भी निज में लीन करो। अब भेद ज्ञान के द्वारा मैं निज आत्म स्वयं स्वाधीन करो। निज में रतना तय धारण कर निज परिणति को भी पहचानो। परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानो। जब ज्ञान दे अज्ञाता दृष्टा ध्यान में धाऊंगा। नारे भाती आग है हर हंत अवस्था पाऊंगा। निश्चित सुख शक्त मेरा एक प्रभु कब इसको पाऊंगा। सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आऊंगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु एक प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मोक्ष की सब। तुम अब भव में बिन ज्ञान के चक्कर खाते रहे हैं खाते रहेंगे हम तुम। श्री अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेश्वरेभ्यो महार्घम नृपामिते स्वाहा। मंगल रूप अमंगल कर मंगलमय मंगल गान करूं। मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल नवकार मंत्र का ध्यान करो। इत्यार्थी बात पर पुष्पांजलि छिपे भले आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तुम्हें को अर्घो भवितार भवि कर मोक्ष भरो। छुपी सो श्री जिन चन आनंद कंद सही जी पदि सजत भवत भव खंड पावत मोक्ष नहीं। हमारे भैया जी कह रहे हैं कि आज चौबीसी की पूजा कर लो तो चौबीसों तीर्थंकर आ जाएंगे। उसके बाद सरस्वती पूजन और फिर हवन की क्रिया प्रारंभ। निकाल लो चौबीसी पूजन। आप सोनागिर गए कि नहीं गए? गए हैं। अच्छा, वहां प्रतिमा की क्या विशेषता है? सोनागिर की प्रतिमा की चंदापुर भगवान की विशेषता क्या है? चंद वहां पे हमने भी वहां पर 33 बीघा जमीन में वहां पर हमने 120 फ्लैट बनाए हैं शीतल वाटिका के नाम से। सोनागर में शीतल वाटिका के नाम से और हमने 5 लाख रुपए का फ्लैट दिया था। वहां टीवी में चलता था एड, आपने देखा होगा, 5 लाख में फ्लैट उपलब्ध है। वो हमने क्यों किया था? नो प्रॉफिट नो लॉस के वहां पर लोग रहे सोनागर में आए। जब अपने 100 व्यक्ति अगर 100 परिवार भी वहां हो गए तो सरपंच अपना बनेगा, चैन बोर्ड डलेंगे ताकि अपने तीर्थ सुरक्षित रह सके। लेकिन लोगों ने ले लिए तो आए नहीं। हमारा उद्देश्य वहां सफल नहीं हुआ। तो अभी अभी पिछले 4-5 महीने पहले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का ट्रस्ट था, पूरी 33 बीघा जमीन उनको दे दी है। और अब वहां का विशेष, अभी वहां पर एक आई हॉस्पिटल खुला है, बहुत अच्छा, आंखों के ऑपरेशन वगैरह बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। आसपास के 1 करोड़ की तो गाड़ी बनी है अकेली, और आसपास के सब जगह से लोगों को लेकर के आती है और वहां आंखों के ऑपरेशन होते हैं। आप जाइए सोनागर में जरूर देखिए। तो बात ये कर रहा था कि सोनागर जो गए हैं उस प्रतिमा में क्या विशेषता देखी आपने? है किसी को पता? नहीं, विशेषता पूछ रहा हूं मैं, अब से एक नहीं पूछ रहा हूं। हाँ बता दो, खड़े हो गए राहुल भैया, खड़े हो जाओ ना, बताओ कुछ। हाँ 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप जब चंदापुर भगवान के सामने बैठ जाओगे मानस्थम के पास दूर से,
और टकटकी लगा करके बिल्कुल एक दृष्टि से भगवान की ओर, भगवान की वैसे तो नासा की दृष्टि, जब उनकी प्रतिमा की ओर निहारते हैं तो ऐसे लगता है कि प्रतिमा मेरी ओर देख रहे हो, चमचमाती है बिल्कुल आंखें, ये अतिशय है वहां की प्रतिमा का। हाँ राम कुमार जी, सोना गिर में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, सोना सदा बरसता है, बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम, और ऐसा भी मेरे चंदा बाबा का था, सोना दिल में सोना सदा बरसता है, और चंदा के चरणों में चंदा बसता है, चंदा के चरणों में चंदा बसता है, आठों तरब पुनीत आठों अंग नमो, पूजो अष्टम जिनमीत अष्टम अवनिगमो, श्री चंद नाथ पित चंद चंदन चंद लगे, फल बचतन जगत मंद आत्म ज्योत जगे, ओम श्री चंद प्रभु जिनेन्द्र ने को प्राप्त यार गहन रूपामिति स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की। और जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, सौ धर्म बजावे बांसुरिया। कल कितनी अच्छी बांसुरिया बज रही थी। हमारे धनपति कुबेर जी जो कृष्ण जी बने थे कल पंडित साहब, सही है सही है, और बढ़िया बांसुरी बजा रहे थे। तो बोलिए संजय जी बजावे बांसुरिया, धर्म की बांसुरी बज रही है यहाँ शादरा में। और जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, तब इंद्र बजावे बांसुरिया, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, तब इंद्र बजाए बांसुरिया, सौधर्म बजाए बांसुरिया, सौधर्म बजाए बांसुरिया, सौधर्म बजावे बांसुरिया, इंद्रवाणी इंद्रानी प्रभु तन पोछ रही, इंद्रानी प्रभु तन पोछ रही, जाके लुट जुन पाजे पाये लिया, इंद्रानी प्रभु तन पोछ रही, तमिख मिख निकाजे पाये लिया, ओ बसुदेव सवारी तुम ठिंग धारी, आनंदकारी जग प्यारी, तुम हो भवतारी श्री शांति चिनेशम नुत सतिनेशम नश चक्रेशम चक्रेशम, हरे हर जाके सब ही गुण देशम प्रयाम देशम हरेशम, श्री शांति नाथ जिनेन्द्र अनर्पण प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामिति। बोलिए नेमीनाथ भगवान की। और नेमीनाथ भगवान चल देते हैं जूनागढ़ से ना, चले गए शौरीपुर से, कल चले गए। हाँ पंडित साहब, जब भगवान नेमीनाथ चल रहे थे शौरीपुर से जूनागढ़ की ओर, तब जो बारात का जो नजारा हम लोगों ने देखा था रात को, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लोग नहीं आए हैं अब वो नजारा जो बाकी रह गया वो देखेंगे आप, वो देख लो। हमारे नेमीनाथ भगवान अरे पापा श्री कृष्ण बने थे, वो ये नेमी बनी थी, दोनों बेटियां नेमी और राजुल बने थे, और नेमीनाथ बहुत अच्छा, जोरदार तालियां इस बिटिया के लिए, बहुत अच्छा बेटा, ऐसी संस्कार हमेशा जीवंत रखना, आइएगा भाइयों अंत समय तक जीवंत रखना संस्कार धर्म के। और नेमीनाथ भगवान चल देते हैं कहां, जूनागढ़ की ओर, जूनागढ़ की ओर जा रहे हैं, 56 करोड़ बराती उनके साथ में है। नेमी जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के, हाय दूल्हा बन के, भाई नेमीनाथ भगवान की बारात है। अरे बैराग तो नेमीनाथ को आया था, आप तो क्यों बैराग गा रहा है, आप तो खड़े हो जाओ। दूल्हा बन के प्रभु जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के, शौरीपुर से, शौरीपुर से चले बराती बन के,
संग में कृष्ण मुरारी छप्पन कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी आए छप्पन कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी छप्पन कोटि बराती आए संग में कृष्ण मुरारी और नेमिनाथ की छवि को रख के अरे नेमिनाथ की छवि को रख के जूनागढ़ बलिहारी अरे शोरीपुर से चले बराती सच्ची करते चले बुला बंदे के चले बुला बंदे के अरे हो जब देखा बरातियों ने क्या देखा छज्जे ऊपर राजल ठाड़ी ये तो नहीं लग रही है छज्जे ऊपर राजल ठाड़ी भैया बराती है जो ऊपर पहुंच गए हैं ये ऊपर से भक्ति कर रहे हैं और देख रहे हैं छज्जे ऊपर राजल के भाई खड़े हाँ पंडित साहब ये स्वर्ग के इंद्र हैं वहां से भक्ति कर रहे हैं भगवान नेमिनाथ की बरात में आए हैं और कह रहे हैं ने देखा कि छज्जे ऊपर राजल ठाड़ी हाथों में वरमाला ऊपर राजल ठाड़ी हाथों में भाई ये दोनों बिटिया हमारे संजय भैया की बिटिया है एक नेमिनाथ बनी थी और दूसरी राजुल बनी थी एक बार इनकी ताली बजा दीजिएगा दोनों बेटियों के लिए ये हमारे धनपति कुबेर संजय भैया जो हैं उनकी दोनों पुत्रियां हैं छज्जे ऊपर राजुल ठाड़ी हाथों में बरमाला छज्जे ऊपर राजुल ठाड़ी हाथों में बरमाला और कैसा ब्याह रचाने आया अरे कैसा ब्याह रचाने आया देखो जग रखवाला ने जी दूल्हा बनने के सभी जी दूल्हा बनने के मैं दूल्हा बनने के सभी जी दूल्हा बनने के हर छोरी पर से चले बराती बनने थने के सभी जी दूल्हा बनने के सभी जी दूल्हा बनने साज सुचली नौ आठो कदम मिलाए अष्टम सिद्ध के राज करण को जग मन बसनाए दादा ओ श्री ने मिला ओम ऋषि नेमिनाथ जिनेन्द्र अनेक पद प्राप्त है अर्घम निर्वामिति बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की नवीन शादरा में विराजमान साक्षात पार्श्वनाथ भगवान की जय पारस स्वामी बेगा आओ जी बुलावे थाने भक्ता की टोली भगवान को बुला रहे हैं उनकी ओर हाथ कीजिए राम कुमार इतना अच्छा भजन गा रहे हैं आ जाओ मेरे भगवान अच्छा तीन लोग के नाथ भगवान का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं आ जाओ मेरे भगवान आ जाओ मेरे भगवान मन के मकान में सारे जहान में आ जाओ मेरे भगवान आ जाओ मेरे भगवान मन के मकान में घर घर घंटा पाके सारे जहान में
सुत भई सेन के पारस जिने सुर चरण जिनके सुर नहीं उरग लक्षण अति लसे ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभु सटिया भावन ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्यष्टि ठाठा स्थापन ओम रीम श्री पार्श्वनाथेन्द्र अत्र वंशन तो भव वसट सन्नदि करणम हेलो हेलो चलिए बोलो पारसनाथ भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन करो भाई जल्दी करो थोड़ा सा प्रभु मेरी नाव का तू ही है खिवैया प्रभु मेरी नाव का मुझको सहारा मिले तेरी छाव का भैया प्रभु मेरी नाव का तू ही देखी भैया प्रभु मेरी नाव का मुझको सहारा मिले तेरी छाव का तू ही देखी भैया प्रभु मेरी नाव का सोने के समान अंबु सारे लाइए हेम पात धार के सुआप को चढ़ाइए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करो सदा कीजिए निवास मुख भूलिए नहीं करे मुझको सहारा प्रभु तेरे नाम का मुझको सहारा बाबा तेरे नाम का तेरे बिना जीवन मेरा किस काम का मुझको सहारा प्रभु तेरे नाम का चंद्र मृत्यु विनाशन जलम निरपामिति चंदन अधि केशन अधि सच्ची गंध लीजिए आप चरण चर्च मोहताप को हनीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करो सदा कीजिए निवास मुक्त भूलिए नहीं कदा ओमरी सी पासना जिनेन्द्र भवता विनाशन चंद्र निरपामिति स्वाहा तेन चंद्र के समान अक्षितान लाए के चरण के समीप सार कुंभ को रचाए के पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करो सदा कीजिए निवास मुक्त भूलिए नहीं कदा ओम ऋषि पासना चिरेन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपामि ते अज के बिना गुलाब और केत की चुनाए के हर चरण के समीप काम को नशाए के पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करो सदा दीजिए निवास मुझे भूलिए नहीं गला केवड़ा गुलाब और केत की ओम रिम से पास राजेंद्र है काम बाण विनाश ने पुष्प नृपामिति घेवरा दीपा वाला दी मिष्ट सब में सने आप चरण चर्च ते शुभा विरोध तो हने पार्श्वनाथ देव से भी आप की करो सदा दीजिए निवास मोह बोलिए नहीं गला घेवरा दी बाबरा दी आदि सुंदर सुंदर रहा ओम ऋषि पासना जिनेन्द्र सुधा रोग विनाश नहीं दिव्य निरपामिति स्वाहा जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है महसूस यो हुआ कि तूने थाम लिया है अरे जिसने किन किन ने मुसीबतों में नाम लिया है सीता ने जल का अग्नि कुंड हो गया क्षमा सती ने घड़े में हाथ डाला और नांग का हार हो गया सेठ धनंजय ने रमोकार मंत्र पढ़ा उनका बच्चा ऐसे उठ बैठा जैसे सो करके जागा हो
ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आप सोचे भगवान कुछ करते हैं, यदि वो करने लग जाए तो रागी कहलाएंगे, वो नहीं करते हैं। लेकिन भगवान के चारों ओर इर्द गिर्द पंचकर्म प्रतिष्ठा जब हम कराते हैं ना, उस समय ध्यान लगा करके जितने भी उनके आराध्य देवी देवों सबको बुलाया जाता है, भगवान के साथ उनको भी वहां पर बुलाया जाता है, बिठाया जाता है और हमेशा साथ रहते हैं वहां पर। वो देखते हैं किस भक्त की हमें मदद करना है, तो वो देव आकर के आप लोगों की मदद करते हैं। प्रभु नहीं करते हैं, वो तो देव करते हैं। देव हमारे जैसे आप भी पूजा कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी देव कई हैं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे होंगे अभी, मेरे तो कई विधानों में आ जाते हैं, कई पंचकर्णकों में आ जाते हैं और उनको समझाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है उनको, उनको स्थान देना पड़ता है। इसलिए किसी को परेशान ना करें, हम पहले ही स्थान उनको मंत्रों के माध्यम से दे देते हैं। हाँ राम कुमार जी, और जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यो हुआ कि तूने थाम लिया है। तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियां, तूफान के थपेड़ों में जो भटकी थी कश्तियां, जो भटकी थी कश्तियां, और बन करके किनारा, बन करके किनारा उन्हें आराम दिया है। महसूस यो हुआ कि तूने थाम लिया है। अरे जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, महसूस यो हुआ कि तूने थाम लिया है। शब्दों का चयन है, जिसने मुसीबतों में तेरा नाम लिया है, ये भजन भी राम कुमार का स्वयं का लिखा हुआ है। बहुत अच्छी कलम इनकी जब चलती है तो बहुत अच्छी चलती है। बाहुबली भगवान के तो ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं, आप YouTube पे सुनना, आनंद आ जाता है सुनकर के। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरपामिति। नहीं नहीं पंडित साहब, अभी दीप का बोलेंगे। हाँ हाँ दीप लाए रत्न दीप को स्नेह पूर के भरो, वासिका कपूर बारी मोह भंस को हरो। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करो सदा, नहीं वास मुझ भूलिए नहीं सदा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोहन कर विनाशनाय दीपम निरपामिति। धूप कंदिले ये केसु अग्नि संग जारिये, तास ज्योति केसु सन्न अष्ट कर्म वारिये। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा, कीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं सदा। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अष्ट कर्म दहनाय धूपम निरपामिति। बादाम चढ़ाओ, आजर चढ़ा लो। आइए भाइयों, सुंदर फल लेके चलते हैं भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। हाँ, और कृष्णनगर वालों को चढ़ो आवाज बादाम। बहुत अच्छा भाव है नवीन शारदा के, पार्श्वनाथ भगवान के जो दर्शन करते हैं। अरे बादाम चढ़ाओ भाई, बादाम चढ़ाओ। 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 आ जाओ राहुल भैया, भाई अपना अपना फल हाथ में ले ले। सभी लोगों ने हाथ को उठा रखा है और घुमाते रहेंगे भक्ति के साथ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बादाम चढ़ाओ भाई, बादाम चढ़ाओ। बादाम चढ़ाओ भाई, बादाम चढ़ाओ। पर सुंदरता से बादाम चढ़ाओ, सुंदरता से बादाम चढ़ाओ। बादाम चढ़ाओ भाई, 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 बादाम चढ़ाओ। काम से बादाम, मामला बादाम, मामला बादाम, मामला बादाम। और नवीन शादरा वाले और कृष्णा नगर वाले, आज पता नहीं चल रहा है कि कृष्णा नगर में नवीन शादरा है या नवीन शादरा में कृष्णा नगर है।
अरे हीरे चढ़ाओ भाई मोती चढ़ाओ, 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 पर सुंदर ताजे बदाम चढ़ाओ, अरे सुंदर ताजे बदाम चढ़ाओ, माम रहा बना फलम निरपामिति। आइएगा भाइयों अर्घ लेंगे भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। ठंडी हवा काली घटा, ठंडी हवा काली घटा आही गई झूम के, नाचे इंद्र इंद्राणी आज बड़े झूम के, ठंडी हवा काली घटा आही गई झूम के, नाचे इंद्र इंद्राणी आज बड़े झूम के, ठंडी हवा काली घटा आही गई झूम के, नाचे इंद्र इंद्राणी आज बड़े झूम के। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, अजी दूर हुई सारी तपन हुआ प्रभु मन से मिल, दूर हुई सारी तपन हुआ प्रभु जी से मिल, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी आसमान से नीचे उतर के आएगी, चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप दो शीर बना के अर्घ में जगीजिए, अर्शनाथ देव से आपकी करो सदा, दीजिए निवास से भूलिए नहीं बना, दूर हुई सारी तपन हुआ से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ प्रभु जी से मिलन, भक्ति ये हमारी रंग लाएगी, चांदनी अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति। और भगवान का जर्व कल्याणक का अवसर किसको मिलता है सबसे पहले मनाने का, गर्भ कल्याणक। अरे महिलाओं को वही तो प्रसूति गृह में जाती हैं, अष्ट देवियां वही तो सेवा करती हैं, पुरुष थोड़ी जाते हैं वहां। सही बात। हाँ, इसलिए आज गर्भ कल्याणक मनाएंगे आज पूरी इंद्राणिया मिलकर के, और उसके बाद जन्म कल्याणक मनाएंगे पूरा इंद्र परिवार। आइएगा बहनों, लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो सत्य के आकार नहीं होते हैं। देखो माँ वामा के सपने सत्य हो गए, और सपनों से भरी कोख में प्रभु पार्श्व सो गए। हाँ, और जो माता बहने यहाँ पर आकर के सपने देखेंगी ना, 16 में से कम एक सपना उन्हें अवश्य दिखाई देगा, और जो यहाँ पर आके भक्ति नहीं करेंगी ना, उन्हें सपने में लखन आएगा। आइए भाइयों, हमारी जो बहनें हैं भगवान के गर्भ कल्याण को मनाने के लिए जा रही हैं, अष्ट देवियां भी हैं, माता के गर्भ की शोधना करती हैं, 56 देवियां माता की सेवा करती हैं, सारी की सारी बहनें आ गई हैं और कह रही हैं, अरे गर्भ कल्याणक आ गया, ओ गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया, गर्भ कल्याणक आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। Oh, 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 oh,
माता 16 सपने देख रही है, माता 16 सपने देख रही हैं, देवियां सेवा में रत हैं, और किस तरह माँ 16 सपने देखती हैं। देखे जी माँ ने 16 सपन, देखे रे देखे माँ ने 16 सपन, हे 16 सपन, ओ अजम निराली खड़ी आई रे, और मैं खेलो मैं खुशी मनाई। देखे जी माँ ने 16 सपन, हे 16 सपन, ओ अजम निराली खड़ी आई रे, और मैं खेलो मैं खुशी मनाई। ओ पहला सपना माने देखा एक ऐरावत हाथी, अरे पहला सपना माने देखा एक ऐरावत हाथी, मुझे सपन मित्र सबको देखा जिसकी महिमा न्यारी, तुझे सपन में वृषभ जो देखा जिसकी महिमा न्यारी, अरे तीजे में देखा पंजराज पूज रही जिसकी आवाज, तीजे में देखा पंजराज पूज रही जिसकी आवाज, ऐसे सपने देखे माने माता है प्रसन्न, देखे रे देखे माने 16 सपन, 16 सपन, ओ अजम निराली खड़ी आई रे, महलों में खुशी मनाई रे। देखे जी देखे माने 16 सपन, जैसे ही आते हैं तो रत्नों की वर्षा नगर में शुरू हो जाती है। तो उठा दो रनी में रतन लुटाना ने, अरे में रतन लुटाना नी, मन बाजू में नाचे गाए, अरे में रतन लुटाना नी, मन बाजू में नाचे गाए, नी में रतन लुटाना नी, मन बाजू में नाचे, और नी में हर्ष मनाना नी, नी में हर्ष मनाना नी, मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए, नी में अरे नी में बली बली गाना नी, मन बाजू में नाचे गाए, नी में बली बली गाना नी, मन बाजू में नाचे गाए। अरे माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, अरे माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, माता बामा के आंगन में एक सर्वों के देव रतन मांगने के लिए इधर फेंको उधर फेंको, रतन ऊपर से आ रहे हैं पंडित साहब। हमारे धनपति कुबेर जी रतन लुटा रहे हैं, क्या बात है जी, सारा आनंद सिमट करके यहाँ आ गया भगवान के चरणों में। माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, माता बामा के आंगन में धनपति रतन लुटाए, और हीरे मोती को बरसा के मंद मंद मुस्काए, नी में यही बताना नी, मन बाजू में नाचे गाए, बाजू में नाचे, और नी में मौज मनाना नी, मन बाजू में नाचे गाए, मन बाजू में नाचे गाए। देखो नगरी, अरे देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा, देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा, देखो नगरी सजी रे दुल्हन सी, मृदंग जरा बोल जा, तुम प्राण स्वर्ग बिहाए, बामा माता उरे आए, साथ तनी कुतिकारी हम तुझे। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी भक्ति इंद्रादियों ने की है। अब देखते हैं इंद्रों का नंबर है कौन आगे रहता है, इंद्राणी के इंद्र, ये देखना है आज, आज ये फैसला हो ही जाएगा, और सोने की चेन बढ़ जाएगी, और दोनों की बराबरी आधी आधी तोड़ के दे दी जाएगी।
ओम री बैसा कुछ त्याग कर कल्याण प्राप्त है सी पास ना जिन्दा अर्घम रूपामिति बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की और सौथल मंदिर का सिंहासन कंपाउंड जैसे ही भगवान का जन्म होता है स्वर्ग में सारे बारह करोड़ बाजे बजने रखते हैं वहां तो एक इंद्र का आसन कंपायमान होता है यहां तो सात इंद्रों के आसन कंपायमान हो रहे हैं और जब ये खबर जब ये सूचना महाराज अश्वसेन को मिलती है तो सारा का सारा इंद्र परिवार सौधर्मेंद्र का पूरा परिकर महाराज अश्वसेन के महलों में आ जाता है और कहने लगता है कि हे महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की और ऊपर से स्वर्गों से भी जय जयकार हो रही है ये सूचना आई और कहने लगे सारा के सारे लोग कि माता के लल्ला हो गया अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए बहुत बढ़िया अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे काशी में हल्ला हो गया क्या कहिए काशी में हल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए महलों में महलों में महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए अरे सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे नगर में हल्ला हो गया नगरी में बजी बधाई स्वर्गों से जनता आई नगरी में बजी बधाई स्वर्गों से जनता आई अरे नगरी में बजी बधाई स्वर्गों से जनता आई नगरी में बजी बधाई स्वर्गों से जनता आई और पार्श प्रभु को देखा और पार्श प्रभु को देखा ऐसे मंद मंद मुस्काई और पार्श प्रभु को देखा ऐसे मंद मंद मुस्काई विभव भैया हम देख रहे हैं सारा ठल्लम ठल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए सारा ठल्लम ठल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए महलों में लल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए क्या कहिए अरे नगर में हल्ला हो गया और जब देखा राम कुमार जी माता बाबा और जैसे ही प्रभु को सौंपते हैं माता को इतनी अच्छा रूप इतना अच्छा रूप तो कोई ऐसे देख रहा है कोई तिरछी नजर करके देख रहा है लेकिन फिर भी मन तृप्त नहीं हो रहा है और कोई तिरछी भाई माँ बामा कह रही हैं उनके महलों में हजारों लोग आए लाखों लोग आए भगवान के दर्शन करने के लिए हाँ कोई कृष्णा नगर से आया है तो कोई सूरजमल विहार से आया है देखना है तो सीधे देखो ना ओ, अरे कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना है कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना है सलोना है खिलौना है सलोना रे कोई तिरछी नजर से न देखे रे लाल मेरा बड़ा सलोना है कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना है
श्री नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। बधाई आ रही है कृष्णा नगर से ही बधाई आई है। हाँ आएगी हाँ। अभी अरे अगली बधाई प्रवीण जी की आई, अगली बधाई प्रवीण जी की आई, प्रवीण जी की आई, प्रवीण जी की आई, प्रवीण जी की आई, प्रवीण जी की आई। काशी में, काशी में पूरे काशी में पार्टी में मिठाई लाल मेरा बड़ा सजोना सुभाष जी। अरे अगली बधाई सुभाष जी की आई, अगली बधाई सुभाष जी की आई, नगरी में पार्टी मिठाई लाल मेरा बड़ा सजोना है। अरे नगरी में दर्शन ना देखो लाल मेरा बड़ा सजोना है। उन्हों से बधाइयां आ रही है, हमारे विकास भैया भी बधाई लेकर के आए हैं और इन सारे के सारे लोगों के साथ में। और अगली बधाई वैभव जी की आई, अगली बधाई वैभव जी की आई, वैभव जी की आई, राम अवतार की आई, वैभव जी की आई, की आई। अरे अगली बधाई अनुराग जी की आई, अगली बधाई अनुराग जी की आई, कृष्ण नगर में, कृष्ण नगर में पार्टी में जाए सबके सामने अनाउंसमेंट करना जरूरी है। नाम बताएं। धीरज जी। देखिए हमारे जो प्रधान जी हैं नीरज भैया, एक बार इनके सम्मान में ताली बजाइएगा। और अगली बधाई नीरज जी की आई, अगली बधाई नीरज जी की आई, और कुछ बधाई हमारे उस स्वर्ग के देवता पहुंचा रहे हैं। अगली बधाई स्वर्गों से आई, अगली बधाई सारी काशी में पार्टी मिठाई लाल मेरा बड़ा सजोना। कोई तिरछी नजर से ना देखो लाल मेरा बड़ा सजोना। जो आज मामरा बादाम लेकर के आए हैं हमारे राहुल भैया, मामरा बादाम लेकर के आए भगवान के चरणों में। अरे कल भी लाए थे, रोज लाते हैं। हाँ भाई, कभी मामरा बादाम इधर से आता है, कभी इधर से आता है, कभी पीछे से आता है। भगवान के चरणों में सारे के सारे लोग आए हैं और कह रहे हैं और अगली बधाई श्रीमान ओमपाल जी साहब भी भगवान की बधाई दे रहे हैं। और महाराज अश्वसेन के महलों में धूम मची है और लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अगली बधाई सारे इंद्रों की आई, सारे इंद्रों की अगली बधाई सारे इंद्रों की आई, नगरी में सारी नगरी को चमचम खिलाई लाल मेरा बड़ा, सारी नगरी में बाटी मिठाई लाल मेरा बड़ा सजोना। इंद्रों की आई अगली बधाई सारे, और भाइयों ये जो बधाई आई है, और अगली बधाई रोशन लाल जी की आई, अगली बधाई रोशन लाल जी की आई, सारे दिगली में सारी दिल्ली में बाटी मिठाई। और कहने लगे जन्मे तेरी बन सुखदाता, कल एक बोस विख्याता, श्यामा तन अद्भुत राजे, दौड़ घोट के तेज सुराजे। ओम स्पष्ट सही कर सब जन्म कल्याणक प्राप्त है, हरि घोर निरुपामिति स्वाहा। भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की कल बोस एकादश आई, कब बारे बावन भाई, अपने कर लौट सुकीना, हम पूजे चरण नवीना। ओम स्पष्ट सही कर सब तप कल्याणक प्राप्त है, श्री उपासना जन्म हरि घोर निरुपामिति आई, प्रभु के बल ज्ञान उपाई, तब प्रभु उपदेश दीना, भव जीवन को सुख दीना। ओम ज्ञान के लिए प्राप्त है, उपासना जीवन दार घूम रूपा की सत्य सावन आई, शिव नारे बड़ी दिन आई,
सब मेरा चल हरिमाना हम पूजे मोक्ष कल्याणा। ओम ह्रीम श्री श्रावण सुख सप्तम मोक्ष कल्याण प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र गौर पामे की स्वाहा। चलिए जय 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 माला। मत हो बेचैन पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच पौन भखी जलते सुन पाए। करो सरधान लहो पदयान भये पद्मावती से शिकाए। नाम प्रताप तरे संताप सुभव्यन को शिव शर्म दिखाए। ओ असुसेन के नंद भले गुण गावत है तुमरे हर साए। केकी कंठ समान छवि वपु उतंग नव हाथ लक्षण उरग निहार पद बंधु पारसना। बचे नगरी छे मास अगा पने चब गोकुल शोभ अपार। सपोट कली रचना छवि देख करूरन दे लह के बहुके। बनारस की रचना जो अपार करी बहु हाथ धनेश तैयार। कहा विश्वसेन नरेंद्र उदार करे सुखे पाप सुते पतिनार। सजो तुम प्राणत नाम विमान भई तिनके बल नंदन दान। अबे सुर एक दियोग नियाय किरत करी दिनाप सुजाय। ओ पिता घर सोक गए निज धाम सुबेर करे बस काम सुकाम। बढ़े दिन दो दिन अंक समान कमे बहु बालक मेरे जरे आन। ओ भय जब अष्टम वर्ष कुमार भरे अनुग तुम सुखकार। पिता जब आन करी अरदास करो तुम ब्याह बरो मप्यास। करे तब ना ही रहे जग चंद ये तुम काम कशाई जो मंद। करे लग राज कुमारन संग सुते कति गंग तनी सुते रंग। कोई तिरंग करे तपि गोर सहो दिस अगन भले अति गोर। कहे दिन नाथ अरे सुन ब्रात करे बहु जीवन की मत घात। भयो तब कोप कहे कित जीव जले तब नाग दिखाए सजीव। तो यह कारण भावन भा कहे द्रव भ्रम ऋषि सुर आए। तब सुर चार प्रकार नियोग धरी शुभ काल जकंत मनो। यो वन माहि निवास जिन गए तह अष्टम के उपवास गए धन दत्त तने दुआवास। दियो पैताल महासुखिकार कई पन वृष्टि तहां तेवार। गए तब कानन माहि दयाल धरो तुम योग सवैयक काल। तबे वह धूम सुते तुए आस कयो कमिटाचर को सुरियान। करे नभ गौन लगे तुम भीर जो पूरब और बचार गए। के कारी करे उपकारी फिर सुपकारी ही करम गे। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जय माला पुनर गमन पामिति। 24 फिट चौड़ाई धन उनों के भाग जिन्होंने वो प्रतिमा बनवाई। चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात हमें सच नींद ना आई आंखों में झूले बाहुबले। रात हमें सच नींद ना आई सपने में झूले बाहुबले। शुद्ध निराग
कुल सितो संभव लोक हमारा वासना रिपु राघव देशे लगे पीछे या ते शिव पथ को पाना निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो के लाया होगे बाहुबले तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया ओम ऋषि और वरी सुनिंद्र है अनर्क प्राप्त है अर्घम नृपामिति ओम रीम ओम रीम श्री विशुद्धादि सुरस्कारणी भ्यो ओम री पंचमी संबंधी अस्सी जनाले निषदीपे दुई पंचा जनाले जिन प्रतिमा भ्यो अर्घम नृपामिति स्वाहा आठवा द्रव संभाव धनत अधिक उछाजो ओम। चलिए अब पूज्य माता जी ध्यान करा रहे हैं। मेरा मन यही करता है कि इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे टोनी भाई संजय भाई ने विधान कराया इतना बड़ा, तो मेरी तो सबका ही होगा सम्मान, तो उसमें क्या बात है। पहले आपका होगा, आपने तो निमित्त बने हो। आप तो निमित्त जो बनता है पहले उसका सम्मान होता है, बाद में सबका सम्मान होगा। तो पहले मैं सुखमाल भाई का सम्मान करूंगा। ये जो है शील्ड में दूंगा, लेकिन ये मैं खोलूंगा नहीं क्योंकि इसमें भगवान है। मैं ऐसे पकड़ाऊंगा, तुम खोल के दिखाना हो। नहीं नहीं, नाम लिखिए, नाम देख लो, नाम देख लो। एक यहाँ के महाराज बने, उनके पिताजी, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा, राहुल भाई और योगिता भाभी का। बहुत बढ़िया, राहुल भाई और योगिता भाभी दोनों आ जाओ। देखो ये आपको नहीं पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता कि इनके पिताजी सुनील सागर महाराज, आचार्य सुनील सागर महाराज जी के संघ में एक मुनि के रूप में हैं। तो इनका स्वागत करना हमारा सौभाग्य है। बोलिए आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। एक जो हमारे बगल में अरुण भैया जी बैठे हैं, जो सुनील सागर जी के सगे चचेरे भाई हैं। अरे वाह, अरुण भैया जी सुनील सागर महाराज के सगे चचेरे भाई हैं और हमें सौभाग्य मिल रहा है परसों से आचार्य सुनील सागर महाराज के सानिध्य में पंचकरण। निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी। जन्म जरा मृत्यु छय करे हरे कुने जड़ रीत, भव सागर सो ले तेरे पूजे जिन भव प्री प्रभु की बारी। ओमरी सरस्वती देव भाई जन्म खुद सरस्वती भाई आत्रे अवतर अवतर समो सटावावनम आत्र तेष्टि ठाटा स्थापनम आत्र मोशन तो भाव वसर सन्नदी कडम जन्म को सरस्वती भाई स्थापनम करोमी। पावन और मेरे जैसे पापी को बोल भगवान बोल, दर्शन होगा कि नहीं, बोल भगवान बोल दर्शन होगा कि नहीं। मेरे जैसा पावन और मेरे जैसे पापी को बोल भगवान बोल, दर्शन होगा कि नहीं, बोल भगवान बोल दर्शन होगा के नहीं। शिरोदधि गंगा विमल तरंगा सलिल अभंगा सुख संगा, हरि कंचन जारी तारि निकारि कृषा निवारि हित चंगा। तीर्थंकर की धुनि गण धर ने सुनि अंग रचे पूज भई। ओ प्रिय जिनो सत्य भई जन जरा मृत्यु विनाश रहे जलम निर्वामिति। कर्पूर मंगाया चंदन आया केशर लाया रंग भरी, पद पद बंदो मन अभिनंदो पाप निकंदो दाह हरी। दंगर गीतन गणदन निर्मल अंगर देतुन ज्ञान मई जो जिर बरवानी तिरुगतानी तिरुगतमानी पूज भई। ओम जय वसुदेव संसाता प्रसाद चंदन अपने पामी दी।
सुखदास कमोदम धारक मोदम अति अनमोदम चंद समम भक्त बढ़ावे कीरत गावे सहाए पात तीर्थंकर की ध्वनि गण धर में सुनि अंग रचे चुन ज्ञानमयी सुखिन वर वाणी सुन जग नानी ते मन मानी पूज रहे बहु फूल सुभासम विमल प्रकाशम आनंद रासम ल्याय थरे हम काम मिटायो सील बढ़ायो सुख उपजावो दोष हरो तीर्थंकर की ध्वनि गण भर में सुनि अंग रचे चुन ज्ञान मई सुखिन मन वाणी सुन सुख दानी तिर मन मानी कूज भई अमृत जिन वसल दे भई काम बाल विरासत है पुष्प मन पामी दे मेरी रसना पुकारे तेरा नाम वे मैंने छोड़े जहाँ के सारे काम ते मेरी रसना पुकारे तेरा नाम मेरे मैंने छोड़े जहाँ के सारे काम मेरे बांधी तुम संग डोर उठे मन में हिलोर बांधी तुम संग डोर मन गले में हिलोर प्रभु देखो मेरी ओर तुम हो चंदा में चकोर मेरी रसना पुकारे तेरा नाम मेरे छोड़े जहाँ के सारे काम मेरे रसना पुकारे तेरा नाम रे मेरे छोड़े जहाँ से सारे काम रे पकवान बनाया बहु घटलाया सब विधाया मस्त महा लाओ पीर बनाओ जुबान साओ हर सिलाओ तीर्थंकर की ध्वनि कण धर में सुनि अंग रचे चुन ज्ञान मई जो दिन भर बाणे सिर लोग दाने तिर मन माने अरे बांधी तुम संग तोर उठे मन में हिलो बांधी तुम संग तोर उठे मन में हिलो प्रभु देखो मेरी ओर तुम हो चंदा में चकोर मेरी रसना पुकारे तेरा नाम मेरे मेरे छोड़े जहाँ के सारे काम ओम ऋषि को सबसे कोई सुना रूप बिना से नहीं देखो मेरे पामी दे कर दीपक जो तम तम छय हो तब ज्योति अजो तम तम ही चले हो पर काशक परम काशक हमने दबा सके ध्यान बड़े तीर्थंकर की ध्वनि गण धर में सुनि अंग रचे चुन ज्ञान मई हो जिन वर वाणी सिंह सुगतानी ते हो बल पानी पूज भई ओम ब्रज हो सदे मोहन कर विनाश लय दीप निर्पा मिति स्वाहा चलो जिन मंदिर में चलो जिन मंदिर में और अंतर के खुले कवाड़ अभी थोड़ी सी देर में 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 चलो जिन मंदिर में चलो जिन मंदिर में है अंतर के खुले कवाड़ अभी थोड़ी सी देर में 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 अरे हम जिन मंदिर जो आए पारस के दर्शन पाए जिन मंदिर जो आए पारस के दर्शन पाए अरे हम जिन मंदिर जो आए पारस के दर्शन पाए ओ जिन मंदिर जो आए पारस के दर्शन पाए माँ को लगकर जब जब मनवा नहीं फूला समाए चलो मन मंदिर में चलो मन मंदिर में अये अंतर के खुले के बाद अभी थोड़ी सी देर में अभी थोड़ी सी देर में कर दीपक जो तम तम छे हो गया यही है हो गया तम तम ही बड़े तुम हो पर काशक दश धूप शुभ गंध दशों कर पावक में थर धूप मनोहर खेमत हो सब पाप जलावे पुण्य कमावे दास कहावे सेवत हो तीर्थंकर की ध्वनि गण धर में सुनि अंग रचे चुन ज्ञान मई जो दिन भर पानी देव लोग नामे फिर वन पानी भोज भई ओम ऋषि जन्म को दोष दे भई अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वामी दे बाद हम चुहारे लौंग सुख सही है कहाँ सही बादाम चढ़ाओ बादाम चुवारे लौंग सुपारी सी फल भारे लावत हो मन बाजन दादा मैंने दादा तुम गने वादा लावत हो तीर्थंकर की ध्वनि गण धन में सुनि अंग रचे चुन ज्ञान मई सो जिन बन वाणी शिव सुख दानी तुम बन मानी पूज भई बादाम चढ़ाओ भाई बादाम चढ़ाओ ओमरी जन्म खुद असत देव मोक्ष फल प्राप्त है फल में पामिति नयन सुखी कारी मृत गुण धारी चल भारी मोज अरे सुबह गंध समारा पसंद निहारा तुम तन तारा ज्ञान
तीर्थन कर की धनी गण धर ने सुनी अंग रचे चुनी गणेशो जिन बनवाणी शिव सुख दानी विभवन मानी पूज भये। और यहाँ पर जो वस्त्र लाए तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं भगवान के सामने, और वस्त्र नहीं है तो एक थाल घूमेगा तो उसमें पैसे डाल देना और वो पैसा मंदिर जी में जाएगा, वो पैसा मंदिर जी में जाएगा और जिनवाणी की रक्षा के लिए काम आएगा, जिनवाणी की रक्षा के लिए, जिनवाणी छपवाने के लिए। मोटी जिनवाणी छपेगी ना उसमें पैसा लग जाएगा। हाँ घूम जाओ भैया है तब तक। अखियां भूल गई है सोना सोना, अखियां भूल गई है सोना सोना आया पर्व अठाई समुना, अखियां भूल गई है सोना सोना आया पर्व अठाई सलोना। उठे मन में उमंग जैसे झलम करम, उठे मन में उमंग जैसे झलम करम, अरे मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। साथ ले आए साथ आए, काली काली घटाए छाए हटाए छाए, उस सावन को साथ ले आए साथ ले आए। पारसनाथ से मिलन बज उठी सरगम, पारसनाथ से मिलन बज उठी सरगम, अरे मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना आया पर्व अठाई सलोना, अखियां भूल गई है सोना आया पर्व अठाई सलोना। उठे मन में उमंग जैसे झलम तरम, मन में उमंग जैसे झलम तरम, अरे मन झूम गया झूम गया झूम गया। ओम री जन्म खोदभाव सस्तु दे भाई दिव्य ज्ञान प्राप्त है वस्त्र पावी अग्न पावी स्वचन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। ओम रिदिल भगवान सद्य भई अरे घमन पामिति स्वाहा। जय माला ओंकार ध्वनि सार द्वादशांग वाणी विवर, नमो भक्ति उरदार ज्ञान करे जनन। पहलो आचा रांग बखानो पद अष्टा तश्चन से प्रमानो, दूजो सूत्र गतम अभिलाषम पद छत्तीस सनस गुरु भाषम, तीजो ठाना अंग सुजानम सहस बयालीस पद सरधानम, निहारम चौसठ सहस लाके किधारम, पंचम व्यक्ता प्रत्यक्ष दर्शम दो लाख अठाईस सहसम, छठो व्याप्त कथा विस्तारम पांच लाख छप्पन हजारम, सप्तम उपास अध्यय नंगम सत्तर सहस ग्यारह लख भंगम, अष्टम अंत कृत दस उत्तम सहस अठाईस लाख तेईसम, नवम अनुत्तर दस सुविशालम लाख बानवे सहस चमालम, नवम वजन व्याकरण विजारम लाख तिरानवे चोले हजारम, चारम सूत्र विपाक सुभाकम एक कोड़ चौरासी लाखम, चार कोड़े हर पंद्रह लाखम दो हजार सब सतगुरु द्वाद
दश दृष्टि बाद पन भेदम 108 कोड़ पद भेदम 68,56 है सहज पंच पद विद्याहन है 112 कोड़ी बखानो 83 ऊपर जानो रावण सहस पंच अधिकाने द्वादश अंग सर्व पद माने कोड़ी 51 8 ही नाकम सहस 84 600 भागम आएंगे लोग मनाएंगे मन गे शबानी की गान ते सूझे लो कालो भानत जग जय वंत हो सदा देत हो ओ विजन हो सत्य पै जय माला पुनार घमन पामिति। और जैसे ही हवन होगा हवन के तुरंत बाद भगवान यहाँ से मंदिर जी जाएंगे या तो पालकी में या सिर पे जैसी व्यवस्था करना हो कर सकते हैं आप लोग। और वहाँ पर जल रहेगा जल से अभिषेक करेंगे थोड़ा अभिषेक होगा अभिषेक के बाद वेदी में विराजमान कर दिए जाएंगे भगवान जहाँ से हम लाए थे और क्षमा याचना करके वो श्रीफल जो रखा है वो उठा लेंगे वो नहीं भी रखा। प्रजा को सुख भले तो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल भर रहना व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुषमकाल भारी सारे देश धारे दिन को सुना सब कारी घाती कर्म जिन नाश कर पायो की वरराज शांत करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांत करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांत करो सब जगत विश्वाधिक जिन राज। हाथ जोड़े शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदपतों का स्वय कह के दोष ढाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलो से उचरण जिनके मोक्ष जौलो न पाऊं तब पद मेरे ही में ममे तेरे पुनि चरणों में तब लोली रहे प्रभु जब लो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षय पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु करुणा कर पुंछणाम बहुत दुखसी हे जगवंदनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी मरण समाधि सद दुर्लभ कर्मों का छह सुबह सुखकारी इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पड़ता कायो सर करो व्यम पुष्पांजलिम जेबे 9 बार नमोकार। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।